शक्कर हो गया मैम, क्योंकि बेबी इज टू स्मॉल। ठीक है, बड़ा कोई हमने किसी अडल्ट पेशेंट में एग्जामिनेशन करना हो तो वी आर गोइंग टू डू अ सिस्टम एग्जामिनेशन लाइक रेस्पिरेटरी, लाइक कार्डिक एग्जामिनेशन, लाइक न्यूरोलॉजिकल। आपने मेडिसिन में अगर वार्ड किया हो तो यही करते हैं हम यूजली, क्योंकि वजह अडल्ट पेशेंट में एक सिस्टम पूरा एक सिस्टम हो जाता है। ठीक है, इसमें भी हम सिस्टमाइज करते हैं लेकिन इसमें हम वर्ड यूज़ करते हैं हेड टू टो एग्जामिनेशन जब नियोनेट हमारे पास आया है। ठीक है, तो वो छोटा सा बेबी है तो हमने फुल फ्लैज उसको एग्जामिन करना है। ठीक हो गया, अब एक बंदा कोई आएगा जो वॉलेंटियर जो हेड टू टो एग्जामिनेशन करना चाहे, मैं बताऊंगी साथ साथ आपको, आप करो करो। दिस इज अ बेबी एंड यू आर गोइंग टू डू हेड टू टो एग्जामिनेशन। ठीक हो गया, सबसे पहले हम हेड से स्टार्ट कैसे करेंगे? ठीक है, हेड मीन्स हेड। ठीक हो गया, अब हेड में हम क्या क्या एग्जामिनेशन में देख सकते हैं? आप लोग बोलो, थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा, अदरवाइज मैं भी सो जाऊंगी, आप लोग भी सो जाओगे। हेड सर्कमफ्रेंस देख सकते हैं, यूजुअली बच्चों का हेड सर्कमफ्रेंस लार्ज हो सकता है या स्मॉल हो सकता है, डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले हमने क्या देखते हैं, लार्ज है या स्मॉल है। कट ऑफ इसकी होती है, किसी को पता है? 32 से 37 तक। ठीक है, 37 से बड़ा है तो मैक्रोकेफेलिक, 32 से कम है तो माइक्रोकेफेलिक। ठीक है, यूजुअली जो IUGR और प्री टर्म्स बच्चे होते हैं जो प्री मेच्योरिटी के लेवल से 37 डिग्री से पहले होते हैं, उनका जरा स्मॉल होता है। लार्ज हेड में कोई भी कॉज हो सकता है, रिकेट्स में हो सकता है, हाइड्रोकेफेलस में हो सकता है, बोसी बोनी नॉर्मेलिटीज में होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने न्यू बॉर्न एग्जामिनेशन में हेड से स्टार्ट किया, हेड सर्कमफेरेंस किया, एनीथिंग एल्स इन द हेड? फॉन्टेनेले। फॉन्टेनेले कौन, कितने फॉन्टेनेलेज होते हैं यूजली? हाँ, 6 होते हैं, लेकिन हम इस लेवल पे जो डिस्कस करेंगे वो इंटीरियर और पोस्टीरियर फॉन्टेनेले होते हैं। यूजली पोस्टीरियर फॉन्टेनेले जो है वो 6 to 8 वीक्स तक क्लोज कर जाता है और इंटीरियर फॉन्टेनेले जाके 18 months पे क्लोज करता है, लेट क्लोज करता है। इसका लेट क्लोजर रिकेट्स में भी हो सकता है, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म में भी हो सकता है। ठीक है, सो यू हैव टू मैया द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनेले। ठीक है, इंटीरियर फॉन्टेनेले की इंपॉर्टेंस एक और ही होती है कि वो लार्ज हो सकता है और स्मॉल हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बताऊँगी, आप लोगों का रिसेप्शन नहीं हो सकेगी, लेकिन कुछ एक आइडिया हो जाए। हम मैयर करते हैं, किस तरह मैयर करते हैं इंटीरियर फॉन्टेनेले को? किसी के पास मेजरिंग टेप है? yes, बैग में लेके मेजरिंग टेप से ना। ठीक है, जैसे आपने हेड सर्कमफेरेंस किया वैसे ही आपने इंटीरियर फॉन्टेनेले को मेजर करना है। हेड सर्कमफेरेंस के लिए एक और टर्म यूज करते हैं, ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। ठीक है, तो वो हेड सर्कमफेरेंस को मेजर करने का होता है। एग्जाम में सिंपली आपको हेड सर्कमफेरेंस नहीं लेना आता तो वो आपको फेल कर सकते हैं। ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर मेजर करो, कैसे करो? ही इज राइट के बेबी है ना, तो रिफ्लेक्स के अकॉर्डिंगली हमारा होना चाहिए। हाँ देखो, इम्पोर्टेंट बात यह है, द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन द बिहाइंड ऑक्सीपिट, उससे करके आपने फ्रंटल को करना है और दिस शुड बी, ठीक हो गया, दिस इज 34 फाइन। और इंटीरियर फॉन्टेनेले को तो आप सिंपली मेजर कर लेते हैं ना, और यूजुअली है कि 3.5 से ज़्यादा और 0.5 से कम हो, तो ये दोनों एबनॉर्मल चीज़ है। एनीथिंग एल्स इन द हेड? हेड में वैसे आपको हेड सर्कमफेरेंस देना आता है ना फाइनल पे, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अभी आपको आसान लग रहा होगा, अभी मैं सबसे करवाऊँगी, ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर एक बच्चे में लेना बहुत मुश्किल काम है। यूजुअली हम यूँ कर रहे होते हैं, ये कर लिया, ठीक है, कभी बच्चा हिल रहा है कुछ कर रहे हैं, यहाँ ये यूं कर लिया, इस पे भी आपको फेल कर देंगे, ठीक है, या हमने कहीं और मैयर कर लिया, या ये यूं मैयर कर लिया, ये ऑल ऑफ दीज थिंग्स गिव अ रॉन्ग रीडिंग।
सो आपने मोस्ट प्रोमिनेंट ऑक्सीपिट को लेना है और फ्रंटल से करके ये होना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, ठीक है? दिस इज द बेस्ट रीडिंग। और कितने टाइम्स लेते हैं? थ्री टाइम्स, ठीक है? थ्री टाइम्स लेंगे और उसमें जो सबसे लार्जेस्ट होगा ना वो आप मिलेंगे, ठीक हो गया। और हेड में क्या देख सकते हैं? जब सूचर्स क्लोज होंगे तो क्या होगा? क्रेनियोसिनोस्टोसिस होगा। ओपन होंगे तो वो हमने पहले डिस्कस कर लिया, हाइपोथायरायडिज्म हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है, और क्या हो सकता है हेड में? हाँ, कैपेट का वर्ड होता है और एक होता है किफेलेहमाटोमा, ठीक है? जो कैपेट है वो सिंपली एक सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग है, ठीक है? हाँ सर, मैं कर ठीक है। जो किफेलेहमाटोमा है वो क्या है? वो सिंपल एक ब्लड है, ठीक है? उन दोनों में डिफ्रेंशिएट हम यूजली यूं करते हैं कि कैपेट मिड लाइन को क्रॉस नहीं करता। मैंने उल्टा बोल दिया, कैपेट मिड लाइन को क्रॉस कर लेता है, किफेलेहमाटोमा नहीं करता। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो पेरिओस्टियम के नीचे होता है, यहाँ आके पेरिओस्टियम जो अटैच हो गई, पेरिओस्टियम जब अटैच है तो ब्लड उसके नीचे है तो वो आगे नहीं जाएगा। लेकिन कैपेट एक सिंपली सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग है तो वो क्रॉस कर सकती है, वो ज़्यादातर SVDs और इनमें होता है। आपके लेवल पे हेड सर्फेस लेना आता हो, किफेलेहमाटोमा का, कैपेट का पता हो, इंटीरियर पोस्टीरियर फोंटेनेला का पता हो, दिस इज मोर देन। अब नीचे आ जाए, हेड टू टो है, नेक्स्ट क्या होगा? फेस, आईज करेंगे, फ्रंटल वॉशिंग देख सकते हैं, वेरी गुड। लेकिन न्यू बॉर्न में फ्रंटल वॉशिंग नॉट सिग्निफिकेंट थिंग, ठीक है? फ्रंटल वॉशिंग को डेवलप होने में टाइम लगता है। और प्रोमिनेंट ऑक्सीपिट हो सकता है, कुछ सिंड्रोम्स में प्रोमिनेंट ऑक्सीपिट हो सकता है, कोई बोनी डिफॉर्मिटी हो सकती है, कोई बोनी डेफिशिएंसी हो सकती है, स्किन की बहुत सी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन की एबनॉर्मेलिटीज बहुत सारी हो सकती है, ठीक है? फेस पे आए तो क्या होगा? फेस पे हमने क्या क्या देखा था? ईयर्स, नोज, आइज, माउथ, ठीक हो गया? और एक फीचर्स, स्पेसिफिक फीचर्स, हम एक टर्म यूज़ करते हैं डिसमॉर्फिज्म। डिसमॉर्फिज्म इट मीन्स के नॉर्मल से वेरिएंट फीचर। ईयर्स में हम देखते हैं लो सेट ईयर्स, लो सेट ईयर्स मीन्स डाउन में, एडवर्ड में, बहुत से सिंड्रोम में लो सेट ईयर्स जो होते हैं, ठीक है? लो सेट आपको पता कैसे लगेगा? ये लो सेट यहाँ से लाइन ड्रा करते हैं ना, अगर उसके नीचे है तो इसका मतलब लो सेट ईयर, ठीक हो गया? कितना नीचे? लेटरल कैंथस से लेके इधर तक जब आप आएंगे तो 1/3 ऑफ द ईयर शुड बी अबव दैट लाइन, अगर बिलो है तो लो सेट में। आइज में हम कभी वर्ड सुनो का एपी, ये अपवर्ड स्लैंटिंग आइज, अपवर्ड मींस कि ऊपर को जा रही है, डाउनवर्ड मींस नीचे को जा रही है। एपिकेंथल फोल्ड हो गया, ठीक है? वो भी डाउन में आपको आ जाता है। स्क्विंट हो सकता है, आई एग्जामिनेशन में और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। आप फंडोस ऑप्थेल्मोस्कोप या फंडोस्कोप से देखें तो कैटरेक्ट्स हो सकते हैं, वाइट पुपुलर रिफ्लेक्स हो सकता है। नोज में क्या हो सकता है? नेजल ब्रिज देखिए, नेजल ब्रिज डिप्रेस्ड होता है, वो बहुत सी चीज़ों में होता है, लेकिन आप डाउन याद कर लो, डाउन में मोस्टली होता है। हम कहते हैं फ्लैट फेशियल प्रोफाइल इन डाउन, फ्लैट मीन्स के किसी ने जैसे उसको आगे से ना वो किया हो, पुश किया हो। और फेशियल पाल्सी हो सकती है, ठीक है? अगर वो होगी तो पता लग जाएगा। लार्ज टंग हो सकती है, और इसका मैम क्लेफ्ट पैलेट हो गया, क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, क्लेफ्ट लिप हो सकता है, ठीक हो गया? नीचे आ जाए, शॉर्ट नेक हो सकती है। शॉर्ट नेक वैसे किसमें होती है? टर्नर्स में होती है। हम यूजुअली शॉर्ट नेक देखते हैं और हेयर लाइन देखते हैं पीछे से, अगर बहुत नीचे हेयर लाइन आ रही हो टर्नर्स में होती है, ठीक है? आगे चलो, थायराइड स्वेलिंग हो सकती है, कंजंक्टिवा स्वेलिंग कोई भी हो सकती है। यूजुअली वैसे छोटे बच्चों में थायराइड स्वेलिंग जो मोस्टली आता है ना, वो एक आता है यहाँ पे स्वेलिंग आती है, वो होता है स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड ट्यूमर जिसको बोलते हैं। वो यूजुअली जिन बच्चों में नॉर्मल डिलीवर SVD होती है तो ट्रॉमा के बाद जो मसल होता है ना, उस मसल में पहले हेमाटोमा होता है और फिर वो ऑर्गेनाइज हो जाता है। ये वाहिद चीज़ है जिसको हम कहते हैं ट्यूमर, ट्यूमर होता नहीं है। हाँ, सिस्टिक हाइग्रोमा हो सकता है, ठीक है? और नीचे आ जाए, चेस्ट में डिफॉर्मिटीज, बल्जिंग हो सकती है, स्टर्नम डिप्रेस्ड हो सकता है। आगे काइफोस्कोलियोसिस बैक से देख लेंगे। और एब्डोमेन पे आ जाओ, डिस्टेंडेड हो सकता है, स्केफाइड एब्डोमेन हो सकता है। स्केफाइड एब्डोमेन क्या होगा?
एम्प्टिंग लगेगा. उसमें ये होता है कि इंटेस्टाइन जो होती है ना वो ऊपर पुश हो जाती है. वो किसमें होती है? डायफ्रामेटिक हर्निया में ये होता है कि नीचे सारी इंटेस्टाइन ऊपर चल गई तो वो क्या हो गया, एम्प्टी होगी स्पेस. व्हेन द स्पेस इज एम्प्टी तो वो स्केफॉइड एब्डोमेन हो जाएगा. मे बी नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल फ्लैट होगा, फ्लैट होता है. स्केफॉइड स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए. स्केफॉइड को फ्लैट वो नॉर्मल कह रहे होते हैं. स्केफॉइड एब्डोमेन ये ना आहिस्ता आहिस्ता क्लिनिकली आप ना चीज़ों को देखने लग जाते हो, लेकिन यूजुअली स्केफॉइड एब्डोमेन उसी में होता है जब इंटेस्टाइन आपके ऊपर पुश हो गई. ठीक है, ये हर्निया हो सकता है यहाँ. एम्ब्लाइकस को देखो ना, ओम्फैलोसिस हो सकता है, एम्ब्लाइकल हर्निया हो सकता है, गैस्ट्रोस्केसिस हो सकता है. अब मैंने तीन टर्म्स बोली हैं, तीनों में क्या क्या होता है? हर्निया जो और एम्फैलोसील में डिफरेंस नहीं पता लग रहा होगा ना, अदरवाइज गैस्ट्रोस्केसिस में तो डिफेक्ट हो गया. जो एम्ब्लाइकल हर्निया इट्स सिंपली हर्निएटिंग थिंग. ठीक है, आपकी सारी जो एब्डोमिनल वॉल स्किन एवरीथिंग इज इंटैक्ट एंड इट्स जस्ट अ हर्निएशन. ठीक है, लेकिन जो ओम्फैलोसील है दैट्स अ प्रॉपर, यानी इट कांट बी रिड्यूस्ड. एम्ब्लाइकल हर्निया कैन बी रिड्यूस्ड और एम्ब्लाइकल हर्निया मोस्टली प्रेजेंट एट बर्थ, इट रिजॉल्व्स बाय इटसेल्फ एट 6 months, इट हैज नो ट्रीटमेंट. देन यू कैन एग्जामिन द लिम्स. Genitalia is very important when you are doing a newborn resuscitation and you have to tell the parents. This is the most important thing. Anal patency bhi dekhe na, anus bhi dekh le. Yes. Anal patency nahi hogi to bachcha 3 din baad aapke paas abdominal back extension ke saath back mein wo spina bifida ho sakta hai, meningomycosis ho sakti hai aur spines ki aur deformity ho sakti hai. Spine jo hai wo jo simple uska curve hota hai na shape वो कभी बार नहीं होता. और सिक्स फिंगर्स हो सकते हैं, सेवन फिंगर्स हो सकते हैं, इट्स जस्ट अ मॉर्फोलॉजी काइंड ऑफ फिटिंग. ठीक है, उसके अलावा क्लब फुट हो सकते हैं और कोई पल्स भी, ये और पल्सी हो सकती है उसको. अच्छा, अब उस पे जाते हैं. अभी तक जो हमने वट एवर वी हैव डिस्कस्ड वो क्या है, वो सिंपल मॉर्फोलॉजी ऑफ ए बेबी. व्हेन अ न्यूबॉर्न केम आपने 3 aspects में उसका एग्जामिनेशन करना होता है. नंबर 1 वाइटली, नंबर 2 सिस्टेमिकली, नंबर 3 हेड टू टो एग्जामिनेशन. व्हेन एवर अ न्यूबॉर्न केम आप जल्दी से हेड तो नहीं देखने लगोगे ना, यू हैव टू सी द बेबी इज हैविंग अ रेस्पिरेटरी रेट, पल्स रेट, उसकी लुक सिक है, वेल लुकिंग है, वो जॉन्डस्ट है कि नहीं है, उसको कोई न्यूनेटल रैश है कि नहीं है, और साइनोस को नहीं है, पैलर है कि नहीं है, साइनोसिस है कि नहीं है. ठीक हो गया, दिस इज द मेन वाइटल मॉनिटरिंग. ठीक हो गया, टेकिपनिया और यानी रेस्पिरेटरी रेट कितना होना चाहिए? 40 to 60. ठीक है, इफ इट्स मोर देन 60 देन इट इज टेकिपनिया. ठीक हो गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ रेस्पिरेटरी रेट. अच्छा, इसकी कट ऑफ किसी को बचा है क्या है रेस्पिरेटरी रेट? 60 या 2 months से कम, 2 months से 1 year तक 50 की कट ऑफ, और 1 year से आगे 5 years तक 40. ठीक हो गया, पल्स पर पल्स का क्या वो है वो इससे बताइए अभी. ठीक है, पल्स यूजुअली 120 टू 160 है. 160 अबव इज टैकीकार्डिया, 120 बिलो इज ब्रैडिकार्डिया. ठीक हो गया, पल्स हो गई, रेस्पिरेटरी रेट हो गया. उसके अलावा आप सिंपल उसको देखते हो कि उसकी वैसे परफ्यूजन कैसी है. सेंट्रल साइनोसिस और पेरिफेरल साइनोसिस में क्या डिफरेंस है? लेकिन जब सेंट्रल साइनोसिस है यू हैव टू डिग आउट व्हाट इज इट. ठीक है, इट कैन बी कार्डियक कॉज, इट कैन बी पल्मोनरी कॉज, इट कैन बी लाइक सीएनएस कॉज. ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, हार्ट रेट हो गया, नाउ यू हैव सीन द साइनोसिस, एनीथिंग एल्स इन द जनरल एग्जामिनेशन? बेबी इज वेल लुकिंग और सेल लुकिंग, सिक लुकिंग, ये आपको कैसे पता लगेगा? बेबी इज क्राइंग, हैविंग एन एक्टिविटी, योनिंग, गिविंग क्यूज, दिस इज अ हेल्दी लुकिंग चाइल्ड.
if baby is having a weak activity, baby is crying harshly, or baby is not crying, and there is chest and drawings, this all these things shows that baby is distressed and baby is not well looking. After school se dekhenge. एबगार स्कोर में अभी आपको बताती हूँ, उस पर हम आते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया एक नियोनेट आया है आपके पास, ठीक है, उसमें आपने उसको पहले डिसाइड कर लिया द बेबी इज वेल लुकिंग और सिक लुकिंग। वो आपने कैसे डिसाइड कर लिया समझ आई है? नहीं कुछ आया तो बता दें, मैं कंटिन्यूटी में बोलती हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो अगर किसी को ये बात नहीं समझ आई तो पूछ सकते हैं, कोई छोटी मोटी बात दोबारा पूछ सकते हैं। आप बताओ वेल लुकिंग और सिक लुकिंग में कैसे डिसाइड करें, एक दफ़ा दोबारा बता दें। मैम वेल लुकिंग में भी नॉर्मल क्राई होगा, एक्टिविटी होगी, और जो सिक लुकिंग होगा वो जॉनिंग वगैरह करा होगा नॉर्मल, और जो सिक लुकिंग होगा उसकी एक्टिविटी भी कम होगी, क्राई बहुत फीबल होगी या फिर बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। और टिकिपनिया पे डिसाइड करेंगे, टिकिपनिया है कि नहीं है, चेस्ट एंड ड्राइंग्स है कि नहीं है, पल्स पे डिसाइड करेंगे, साइनोसिस पे डिसाइड करेंगे, ठीक हो गया। और जनरल लुक में आप जॉन्डस देख सकते हो, ठीक है, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन है तो जॉन्डस के साथ बच्चा है, रैशेस दे सकते हो। न्यूरो एग्जामिनेशन अगर आप करने लगो, इट्स अ वास्ट काइंड ऑफ अ थिंग। मैं ये भी नहीं चाह रही कि आप लोगों के लेवल से बहुत हम आगे चले, ठीक है, क्योंकि हम करें न्यूरोनेटोलॉजी में स्पेशलिटी तो वो बहुत आगे चली जाती चीज़, कहीं हम आगे चले जाएँ तो वो जो है ना वो आपके लेवल से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रैशेज में एक आपको मोस्ट कॉमन रैश कौन सी होती है? नहीं वो ज़रा नॉर्मली नहीं होती, वो तो डेफिशिएंसी होगी। नॉर्मली एक रैश हर न्यूबॉर्न डेवलप करता है मोस्ट ऑफ टाइम, उसे हम बोलते हैं एरिडिमा टॉक्सिकम। नाम सुना? ये एक रैश बताओ काफ़ी आपको, ठीक है, ठीक है, किस वजह से होता है? सिंपली जो है ना ये एक रिएक्शनरी है बॉडी का, इसमें हम अगर स्वैब भी लेते हैं उस रैश का तो वो स्टेराइल होती है, कोई इन्फेक्शन नहीं होता, ठीक है, और वो यूजुअली 2 वीक्स या 4 वीक्स पे जाके सेटल डाउन कर जाती है, ठीक है। या और स्किन में क्या सब देख सकते हैं? साइनोसिस देख लिया, जॉन्डस देख लिया, रैशेस के लिए देख लिया आपने, वाइटली देख लिया, ठीक हो गया। ये आपका ना डिसीजन हो गया कि इस बच्चे को आपने जल्दी देखना है या आप इसको भी थोड़ा सा डिले भी कर सकते हो, ठीक है। ये वेल लुकिंग और उस पर हेल्दी भी आ गया, ये एक पार्ट ऑफ न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन, ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है? आपने देखना है कि आपको अगर टिकिपनिक लगा बच्चा तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले चेस्ट एग्जामिन करनी चाहिए। अगर बच्चा आपको साइनस लग रहा है सबसे पहले क्या करना चाहिए? आप वो देख लो कि पेरिफेरल अगर साइनस है तो वार्म करो, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर आप उसका देख लो, आपने वाइटली देखते हैं ना उसको। और अगर वो आपको लग रहा है सेंट्रल साइनोसिस है तो यू हैव टू सी कि टिकिपनिया है, चेस्ट में कोई एडिड साउंड तो नहीं है, सीवीएस एग्जामिनेशन कर लेंगे, ठीक है। अगर बच्चा स्लो है, लेथार्जिक है तो फिर क्या करना चाहिए? फिर हमें सबसे पहले सीएनएस एग्जामिनेशन, न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस करने चाहिए, ठीक है। ये पूरा एक टॉपिक है न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस का, ठीक है। न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस किसने पढ़े? एक दो हमने कहा भी था।